पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री लेकर आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है चौपाल। यहाँ पर देखने को मिलेंगी भोजपुरी फिल्म्स और नई वेब सीरीज। लॉन्च हो गया है भोजपुरी का OTT चैनल। अब इसमें चौपाल होगी, कई इंटरटेनमेंट मुद्दों को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और इन सब को बहुत अच्छे तरीके से सलीके से सजाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सितारे। उनमें से आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कह लें, भोजपुरी इंडस्ट्री की बेटी कह लें, इनका नाम है रानी चटर्जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, प्रणाम। तो रानी, आज क्या है इवेंट, अपने दर्शकों को बताइए। एक नए कॉन्सेप्ट और नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रही हैं आप। बहुत ही खुशी के साथ मैं बताऊंगी कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि सबको पता है कि अब भोजपुरी का पहला OTT लॉन्च हो गया है, इट्स चौपाल, और इस पर बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें, यू नो, हर लैंग्वेज का अपना एक OTT है और कई लैंग्वेजेस की वेब सीरीज, फिल्म, ड्रामाज OTT पे आ चुका है। सो अब हमारी भोजपुरी भी आ गई है। रानी, चौपाल जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है गांव की। yes. कि एक गांव में पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा है और उसके आसपास गांव के लोग बैठे हैं और चौपाल चल रही है। ये कैसी चौपाल होगी? ये ऐसी चौपाल होगी जहां पर भोजपुरी के बड़े से लेके हर एक कलाकार नज़र आएंगे एक साथ एक ही OTT पे। यस, और हर एक कलाकार अपने अपने अंदाज में हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करेगा। जैसे कि मेरी फिल्में आएंगी या मेरी सीरीज़ आएंगी तो वो नारी प्रधान होंगी, या फिर किसी और एक्टर की आएंगी तो वो मेल प्रधान होंगी, या फिर अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनेंगे यहाँ पे। सो एक इस तरह का चौपाल है जो, और बस अभी ऑडियंस का एक चौपाल चाहिए हमें जो हमारे चौपाल को डाउनलोड करें और हमारे OTT को हिट करें। काफ़ी समय हो गया है रानी आपको इंडस्ट्री में, काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी हैं, एक फ़ैन क्लब आपका बना हुआ है, आपको इतना लोग पसंद करते ना चाहते हैं। अभी आप हाल ही में देख रही हैं कि लैंग्वेज को लेकर बड़े बैरियर्स आ रहे हैं। महेश बाबू आते हैं साउथ से तो बोल देते हैं हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। सुदीप केची ने भी बोला, उसके जवाब दिया अजय देवगन साहब ने कि नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इन सब के बीच में चलो, साउथ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बॉलीवुड भी बहुत बड़ा है, भोजपुरी कहाँ यहाँ पर स्टैंड कर रहा है? भोजपुरी को अपना स्थायित्व जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने हमेशा से कभी भी मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को कभी भी बॉलीवुड से या फिर साउथ से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री 100 साल की हो चुकी है, साउथ इंडस्ट्री हो चुकी है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है जिसकी नई पारी शुरू हुई मेरी पहली फिल्म से, ससुरा बड़ा पैसा वाला से, अभी 20 साल होने वाले हैं, तो हम लोग वैसे भी बहुत पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद 20 साल में भी आज बच्चा बच्चा भोजपुरी गाने सुनता है, और हमारी ऑडियंस जो सबसे ज़्यादा हर पूरी इंडिया से बाहर भी फैली हुई है। सो मुझे लगता है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी, बट उस हिसाब से भी हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को और अच्छा और बेहतर करने के लिए। सो आई थिंक आगे भी बहुत अच्छा करेगी। भाषा क्यों बैरियर बन जाती? लोग अपने, जैसे बॉलीवुड के लोग हैं, अप्रिशिएट करते ही हैं साउथ का कोई सिनेमा आता है, चाहे KGF 3 आई हो। तो भोजपुरी का वो दौर कब आएगा जब भोजपुरी फिल्में देखने के बाद कहेंगे हाँ यार, ये कंटेंट अच्छा है, काम तो अच्छा करते ही हैं आप लोग? ससुरा बड़ा पैसा वाला जब आई थी तो मुझे नहीं लगता कि किसी कोई ऐसा शख्स होगा जो भोजपुरी समाज से जुड़ा, उसने फिल्म जाके देखी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने वो फिल्म देखी थी। इनफैक्ट हिंदी के कई सुपरस्टार्स, डायरेक्टर्स और एक्टरों ने भी वो फिल्म देखी थी। मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना कि एल्बम्स और एल्बम इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एकदम मिक्सअप हो चुकी है। यू नो, जैसे बॉलीवुड की एक इंडस्ट्री है, अगर बादशाह का गाना आता है तो लोगों को पता होता है कि ये एल्बम का गाना है। बादशाह के गाने जब फिल्मों में भी आते हैं तो वो अलग तरह से फिल्माए जाते हैं, हीरो कोई और होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना कि जो एल्बम कर रहा है वही फिल्म कर रहा है, तो इस वजह से इतना मिक्सअप हो जाता है, कॉन्सेप्ट जो है सिंगरों के हिसाब से बनता है। बट मुझे लगता है कि जब एक्टरों का दौर आएगा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब लोग ये ज़रूर कहेंगे कि वाह, ये फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि जो फिल्में गा रहा है वह एल्बम भी गा रहा है, और जहाँ पर ग्लैमर भी दिख रहा है, और वही सिंगर नवरात्रि के गाने भी गा रहा है। yes. तो वो जो डिफर्मेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में सीजन सिंगर बहुत ज़्यादा हैं,
गर्मी का गाना, ठंडी का गाना, बारिश का गाना, नवरात्रि का गाना, गणपति का गाना, होली का गाना, छठ का गाना, न्यू ईयर का गाना, इनफैक्ट कोई मर जाता है तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए भी गाने बन जाते हैं। सो हमारे इंडस्ट्री में बस सीजन सिंगर्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोड्यूसर्स, चूँकि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा थिएटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि थिएटर्स उतने नहीं हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स सोचते हैं कि जो बिक रहा है, जो कंपनी जिन्हें खरीद रही है, उन्हें ही लेके फिल्म बनाई जाए। बट हमारे प्रोड्यूसर्स को जिस दिन समझ में आएगा कि सिनेमा एक्टर ही आगे ले जा सकते हैं, सिंगर्स नहीं, तो शायद कुछ बदलाव आए। और जब हमारी ऑडियंस हर सीज़न में हमारे सिंगर्स को सुन रही हैं तो वो उनको देखने के लिए हॉल में क्यों जाएंगी। बिल्कुल, जैसे आपने एक तर्क रखा, वैसे सोनू सूद साहब ने भी एक बात कही है कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं, भाषा में उसको नहीं बांधना चाहिए। मैं भाषा के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि कलाकार की कोई भाषा नहीं होती। जैसे मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं छटके गाने गाती हूँ, तो कलाकार का कोई रिलीजन नहीं होता और ना ही कोई भाषा होती है। और अगर हर कोई हिंदुस्तानी बनकर सोचे तो हिंदू, हर कोई इंडियन है, हिंदुस्तानी है। ये साउथ, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, हिंदी सब अलग अलग हैं। जब आप इंडियन बनके सोचेंगे तो आप सिर्फ एक ही बात करेंगे, वो है मातृभाषा हमारी हिंदी। बिल्कुल, बात सही कही आपने। खेसारी ने भी अभी हाल ही में कहा था कि अगर उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलेंगे तो वो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री को देंगे या हिंदी फिल्मों को देंगे। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बॉलीवुड से आपको ऑफर आते हैं तो जैसे कि महेश बाबू ने कहा कि नहीं, हमें बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या आप जाना चाहेंगी बॉलीवुड की फिल्मों की तरफ, या जिस फिल्म ने, जिस इंडस्ट्री ने आपको नाम दिया है, पहचान दी है, शोहरत दी है, उसी के साथ रहेंगी? देखिए, महेश बाबू ने ऐसा क्यों कहा आई डोंट नो, जबकि मैंने महेश बाबू को हिंदी एड्स करते हुए देखा हुआ है। लेकिन आज मैं जानी जाती हूँ भोजपुरी के लिए, आज मैं हिंदी सेट्स पे भी जाती हूँ या कपिल के शो में जाती हूँ या मैं खतरों के खिलाड़ी में जाती हूँ, तो मैं भोजपुरी के लिए जानी जाती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी फिल्म नहीं करूँगी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और अगर मुझे साउथ भी मिलती है या पंजाबी मिलती है या मलयालम मिलती है या मराठी मिलती है, मैं हर जगह अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आई एम नॉट टिपिकल, आई एम मुंबईया, सो देखिए मैं मुंबई बॉर्न हूँ बट मैं काम करती हूँ भोजपुरी में। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे कि मैं तो जहाँ पर हूँ वहीं, भले कुछ ना मिल रहा हो फिर भी यहीं पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। बीइंग इंडियन, आप हर जगह काम कीजिए ना। और ये तो हमारी जो हमारे मीडिया कर्मचारी जिन्होंने ये सवाल किया है, तो बड़ी इज्जत से उन्होंने एक इज्जत ही उन्हें दी कि क्या आप कभी बॉलीवुड में भी कोई फिल्म आएगी आपकी। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आंसर था उनका, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। रानी, चलिए पीछे चलते हैं, 20 साल पहले आपने फिल्म की थी, कई लोगों के लिए इंस्पायर भी हैं आप, इंस्पिरेशन भी हैं। ये बताइए कि कैसे आपने आपको मेंटेन किया है, आपने अभी तक वैसी ही लुक नहीं चेंज हुआ है और उतनी ही फ्रेश नज़र आती है, थोड़ा सा हमें वो भी बताइए। मुझे लगता है ना कि जब इंसान अपने काम से बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो और दिल का बहुत साफ हो, तो खूबसूरती तो उसे अपने आप जब्त कर लेती है, आई थिंक सो। सो मैं कुछ खास नहीं करती इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पॉजिटिव नेचर जो है और पॉजिटिव रहना और ईमानदारी से अपने काम को करना, बहुत लोगों का प्यार मिलता है तो अपने आप इंसान अपने आप वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। एक कहावत है, सादगी में भी बड़ी खूबसूरती होती, तो आज आप बड़ी सादगी के साथ यहाँ आई हैं, थोड़ा सा लुक के बारे में बताइए आप। मेरा लुक डिज़ाइन किया है ऋतु ने, और ऋतु ने मुझे कहा कि थोड़ा सा स्पार्की और थोड़ा सा सिंपल आप जाइए। सो ऋतु का डिज़ाइन है और मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है मुझ पर, पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कह सकते हैं। चौपाल के लास्ट क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा चौपाल भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, आप लोग की शिकायतें दूर हो गई, जल्द से जल्द डाउनलोड करें और एंटरटेनमेंट 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 पैकेज को अपने पास बना लें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जहाँ सारे देश में काशी और ज्ञान वापी परिसर की का मुद्दा चल रहा है, हर जगह पे चौपाले लग रही हैं कि वहाँ पर विवादित स्थान पर जो शिवलिंग मिला है उस पर किसका दावा है, तो इसी ऐसे ही चौपाल के सिलसिले में मनोज जी जो हैं वो मुंबई आ गए हैं और मुंबई में हमारी इनसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले इस चौपाल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी का पहला OTT चैनल शुरू हुआ है और इसका इंतज़ार हमारी पूरी 35 करोड़ की जो भोजपुरी भाषी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो कर रहे थे,
और अब सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में स्क्रीन है, अब स्क्रीन में अपना भोजपुरी का प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो इस अवसर पे मैं भी आया हूँ। संदीप बंसल जिन्होंने, जो पंजाब के हैं, उन्होंने भोजपुरी OTT चैनल शुरू किया, अभय सिन्हा जी साथ में हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी एक वेब सीरीज स्वीकार किए हैं। चलिए 35 करोड़ लोगों की बात होगी, अब 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। भाजपा से सांसद हैं और मुद्दा चल रहा है केट में, दो दिन का और वक्त मिला है। कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग मिल गए हैं, बाबा मिल गए हैं, काशी से आपका बड़ा जुड़ाव रहा है मनोज जी, तो इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? दो दिन का हमें वक्त भी मिला हुआ है और मुस्लिम पक्षकार उसे एक फव्वारा बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो आमतौर पर आपका चैनल भी सब लोग दिखा ही रहे हैं और जो देख रहा है उसको पता चल गया है। दो तीन इम्पोर्टेंट बात है जो इस समय देश के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला कि ये सर्वे केंद्र सरकार नहीं करा रही है, ये सर्वे BJP नहीं करवा रही है, ना उसको कराने का अधिकार है। ये सर्वे दो पक्ष के विवाद में, हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार, अब ये न्यायालय के द्वारा किया गया सर्वे है जी। हमारे देश में न्यायालय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम सांसद हैं, हम भी जो कानून बना है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, न्यायालय जो करेगा। हाँ, कभी कभी हम लोग कानून बदलते हैं या कानून नया बनाते हैं या संशोधन करते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है न्यायालय के निर्देश से हो रहा है, उस सर्वे में जो सच्चाइयाँ आई हैं वो पूरे देश को एकदम से, मतलब एक प्रकार से हिला दिया है कि भाई वहाँ इतना बड़ा 3 फीट के ऊंचे, 4 फीट गोलाई के शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है और कोर्ट ने उसको संरक्षित करने का अधिकार भी दे दिया, CRPF के हैंडओवर हो गया। अब इस वहाँ पे और भी कुछ मिला है, ब्रह्म कमल मिला है, वहाँ पे घंटों की नक्काशियाँ मिली हैं, बहुत सारी चीज़ के बीच मैं प्रार्थना करूँगा, ये न्यायालय का विषय है, जिसको भी जो कहना है वो न्यायालय में कह रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा दोनों के पक्ष सुनने के बाद, उसे देश को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन चैलेंज तो अभी भी किया जा रहा है, 1991 की बात कही जा रही है, सबसे ज़्यादा ओवैसी जो हैं उसे हर चीज़ को बोल रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे आता है कि अगर वो बाबरी मस्जिद वाले मसले पे भी स्वीकृति ले चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, तो इस 1991 के एक्ट को कहना, वो तो कह रहे बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे ज्ञान बाबी मंदिर में जो साक्ष्य हमें मिले हैं, जो सर्वे से पहले रोकने की कोशिश की जा रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्या इसीलिए रोकने की कोशिश की जा रही थी, जो शिवलिंग उन्हें मौजूदगी का पता था पहले से? देखिए, सच्चाई तो यही है कि जिस दिन इस सर्वे के विरोध में कुछ लोग आए तभी लग गया था कि दाल में काला है, अभी तो दाल ही काली है पूरी। लेकिन मैं दूसरा एक विषय बोलना चाहता हूँ कि इस देश में किसी भी दो पक्ष का या दो व्यक्तियों का विवाद होगा तो निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। ये ओबैसी जी क्या चाहते हैं, लाठी से निर्णय हो जाए? ओबैसी चाहते हैं तलवार से निर्णय हो? तो ये हमारा देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, ये इतना मूर्ख नहीं है ओबैसी जी कि ये, अब वो समय गया जब आप जैसी मानसिकता के लोग, ओबैसी जी, हम देशवासियों को आपस में लड़ाते थे। न्यायालय है, साक्ष्य रखा जा रहा है और जो साक्ष्य मिला है वो इतिहास के अनुसार है। अब वो वैसी जी आजकल न तो इतिहास पढ़ रहे हैं न तो संविधान पढ़ रहे हैं। वैसे तो जब बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपना एक संविधान की किताब लेके लहराने लगते हैं, आज बार एक्ट पढ़ते हैं, हर बार एक्ट पढ़ते हैं। अब बताइए, एक्ट में यही कह रहे हैं ना कि इस विषय पर कोर्ट नहीं जा सकते। आप बताइए, जब विवाद हुआ था तो क्या 1991 था वो? ये विवाद जब हुआ था तो ये 16वीं शताब्दी का विवाद है, ये हमारे देश के हिंदू मुसलमानों ने नहीं रचा। ये जो आक्रांता थे, जो हमारे देश पे अटैक किए, उन्होंने हमारे बीच जहर बोके गए हैं। हम उस जहर को निकालने के लिए न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। अब जैसे कह रहे हैं सरकार की कोई भूमिका नहीं है इसमें, जो है कोर्ट में, अदालत में मामला, अदालत जो करेगी, जो फैसला करेगा, लेकिन सरकार क्या करेगी, अपने सरकार का क्या इनपुट होगा? आप सरकार से जुड़े हुए हैं, क्या इनपुट होगा? देखिए, हर संदर्भ में बोलूं, आज सरकार का मुख्य उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, भेदभाव नहीं चाहते,
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हम सबके लिए समान नज़र से काम कर रहे हैं। किसी का विवाद होगा तो हमारी सरकार जरूर चाहती है कि उसका निर्णय सड़क पे नहीं कोर्ट में हो। आखिरी सवाल, क्या काशी परिसर में जो नंदी का इंतजार है 350 साल पुराना, वो क्या ख़त्म हो जाएगा? अरे अब तो ख़त्म हो गया है, अब तो जो है वो निर्णय, देखो मैं खुश हो रहा हूँ, हमें खुश होने का अधिकार है ना। हम तो जब से नंदी बाबा को मंदिर इधर है और नंदी उधर देखते रहते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते थे नंदी बाबा किसको देख रहे हैं। अब शिव जी मिल गए हैं तो इसका जो मेरी खुशी को अन्यथा न लिया जाए, मैं एक सत्य सनातनी होने के नाते, एक जो पुराना इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, मैं देख रहा हूँ कि जो इतिहास लिखा था वो सही है। हमारे देश के हिंदू मुसलमान को ये सत्य स्वीकार करना। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।